आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये बोल रहा है कि एक YDSC में यानी यंग का द्विस्लिट प्रयोग दे रखा है। इसके अंदर यदि झिरियाँ असमान चौड़ाई की है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो देखो जब क्या होगा कि असमान चौड़ाई की है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनकी जो तीव्रता है, जो दोनों स्रोतों की तीव्रता I1 और I2 क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो I किसके ऊपर निर्भर करता है, I समानुपाती a स्क्वायर यानी आयाम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आयाम के ऊपर निर्भर करता है, आयाम के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो ये यंग का जो प्रयोग था YDSC यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, YDSE के अंदर क्या होता है, व्यतिकरण होता है। YDSE के अंदर क्या होता है, व्यतिकरण होता है। अब व्यतिकरण की शर्तों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आयाम अगर दोनों का अलग अलग हो तो भी व्यतिकरण हो जाता है, तो व्यतिकरण हो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो न्यूनतम तीव्रता की स्थिति पूरी तरह से अप्रदीप्त अदीप्त नहीं होगी, तो दूसरे विकल्प के दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि न्यूनतम तीव्रता यानी आई मिनिमम, ठीक है, आई मिनिमम का क्या सूत्र होता है, अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मिनिमम जो तीव्रता है वो क्या है कि I1 और I2 क्या है, अलग अलग है, I1 I2 अलग अलग है, तो I1 I2 अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो होगा तभी तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगी, पूरी तरह से अदीप्त हो जाएगी। अब तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो कह रहा है कि पर्दे के केंद्र पर दीप्त फ्रिंज नहीं बनती। अब ध्यान से सुनो, जो दूरी होती है यानी पर्दे के केंद्र से फ्रिंज की जो दूरी होती है, y बराबर क्या होती है, स्मॉल डी बटावा कैपिटल डी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स जो होता है पथांतर, वो किसका होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर जब लिखोगे तो y बराबर डी स्मॉल डी बटावा कैपिटल डी इंटू एन लेमडा। अब देखो जब n का मान जीरो होगा, जब n बराबर अगर जीरो हो तो हमेशा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो पथांतर होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो हमें केंद्र के ऊपर प्रदीप्त फ्रिंज मिल जाएगी यानी चमकीली फ्रिंज मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पर्दे के ऊपर प्रदीप्त फ्रिंज नहीं बनेगी, ये गलत होगा। ठीक है, अगला, दो क्रमागत दीप्त और प्रदीप्त फिंजों के मध्य की दूरी और दो क्रमागत अदीप्त और प्रदीप्त फिंजों के मध्य की दूरी बराबर नहीं होगी। तो अब देखो जो दूरी होती है यानी वो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या होती है, लेमडा स्मॉल डी बटावा कैपिटल डी के ऊपर निर्भर करती है, यानी वो फ्रिंज की चौड़ाई के ऊपर यानी जो दूरी है वो फ्रिंज की किसके ऊपर, तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगी नहीं, क्योंकि तीव्रता अलग अलग है, और जो चौड़ाई है वो उस किसके ऊपर निर्भर करती है, लेमडा के ऊपर यानी तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करती है, तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये बी है तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।